हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुप यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल द एपेक्स्ट्रा सिनेमा का स्वागत करता हूँ। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया। दोस्तों पढ़ाई मत छोड़ना। देखो दोस्तों, अभी आपको पता है कि अभी कोई फिलहाल एग्जाम नहीं है तो पढ़ाई करने का मन थोड़ा कम करता है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि 1-1.5 महीने में, मैंने पहले बताया था, 1.5 महीने से आपकी तैयारी नहीं होगी। आपको रेगुलर रूटीन टाइम में आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। कम से कम 4-5 घंटे तो आपको फिलहाल भी देने पड़ेंगे क्लास में, या फिर वैसे आपको घर बैठ के भी लाइब्रेरी में जैसे आप की जो इच्छा हो आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा दोस्तों। बिना पढ़ाई आपको जॉब में नहीं मिलेगी। तो देखो दोस्तों, अपना एक टॉपिक चल रहा था यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। उसका पहला पार्ट हमने लास्ट टाइम किया था, उसमें हमने उसके पूरे बेसिक जानकारी ले ली थी। उसके बारे में 6 पार्ट होते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो स्थापना कब हुई, कैसे हुई, क्या उद्देश्य था उसका, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बता दिया था, ऐसे उसकी भाषाएं लगभग सभी बता दी थी, उसका बेसिक जानकारी बता दी थी। उसके बाद हमने बताया था उसके 6 पार्ट है। एक बताया था सुरक्षा परिषद, और इस सुरक्षा परिषद के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उसे क्लास को देखें, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप अपने जो चैनल है, अगर आप नए हैं तो पहले अपने चैनल पर विजिट करें और देखना, आपको जीके से रिलेटेड बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा जो आप आज तक आपने ना किसी टीचर से देखा है ना कभी यूट्यूब चैनल पर देखा है। विश्वास करता हूँ कि यहाँ पे का दिल खुश हो जाएगा यदि आप इस प्लेलिस्ट को देखेंगे, आपको कुछ नई जानकारी देखने को मिलेगी। और जब कुछ नया मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसके बारे में बताना। देखो दोस्तों, इसके बारे में बताया था, एक सुरक्षा परिषद, एक महासभा है, एक सचिवालय है। चौथा बताया था भाई आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं में सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। पांचवा कौन सा है? पांचवा है भाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और जो चौथा है वो क्या है भाई? पर्यावरण से परिषद। ये 6 पार्ट बताए थे जिसमें सुरक्षा परिषद हमने कर लिया था। अब आगे जो बात करते हैं, हम बात करते हैं महासभा के बारे में, टाइम ना खराब करते हैं। देखो महासभा के बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले महासभा, महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं भाई, विश्व की लघु संसद कहते हैं। विश्व की लघु संसद किसको कहते हैं? तो महासभा कहते हैं। देखो कुछ नए क्वेश्चन अगर होती है ना, उनको नोट बना के लिखा दो। एक क्वेश्चन लिख भी सकते हो कि भारत के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। तो देखो लघु संविधान, अगर पूछ ले लघु संविधान के बारे में, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसको कहते हैं लघु संविधान। क्यों कहते हैं? इसके बारे में आप आगे जो पॉलिटिकल आएंगे बताएंगे, इसमें बहुत कुछ नया जोड़ा गया था अपने संविधान में, याद रखना इसके बारे में। अब देखो महासभा के बारे में, इसको लघु संसद कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक देश इसका प्रतिनिधित्व करते हुए, प्रत्येक देश है, जैसे कोई भी, जितने आप मैंने बताए थे शुरू में 193 देश है, वो 193 देश इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ कार्य होते हैं, जैसे कोई भी पर्सन है, सुरक्षा एवं शांति का कोई भी पर्सन है, कुछ भी पर्सन है, उस पर्सन को पारित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम 2/3 बहुमत जरूरी है। यह याद रखना भाई, 2/3 बहुमत जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन पर यदि 2/3 बहुमत पूरे हो जाते हैं तो वो पर्सन शांति सुरक्षा ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं इनके, वो पूरे हो जाते हैं। तो याद रखना भाई महासभा के बारे में। इसके बाद इसके और कार्य क्या होते हैं भाई, इसकी कार्य इम्पोर्टेंट पूछ लेता है, तो याद रखना इसका कार्य क्या होता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट है ना कि न्यायाधीश की नियुक्ति हुई, इंटरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उसके बाद जो संसद, जो ये है यूएनओ, यूएनओ के बजट के बारे में भी यही काम करता है भाई, बजट को पारित करना या उसके बारे में कुछ भी काम करता है वो बजट के बारे में। उसके बाद सुरक्षा परिषद,
सुरक्षा परिषद, जो सुरक्षा परिषद है उनकी जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य, उनके बारे में भी कौन जानकारी देता है, तो उनके बारे में भी, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो महासभा नियुक्ति करता है। ये ध्यान रखना भाई, ठीक। इसमें देखो अधिवेशन होता है, महासभा में अधिवेशन होता है, तो अधिवेशन कब होता है, तो अधिवेशन होता है भाई सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह से, सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह से शुरू होकर अधिवेशन इनका और दिसंबर मध्य तक चलता है, दिसंबर मध्य तक चलता है। तो ध्यान रखना इनका अधिवेशन होता है वो सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह से शुरू होकर दिसंबर महीने के मध्य तक चलता है। तो ये था भाई महासभा के बारे में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कई बार पूछ लेता है कितना बहुमत जरूरी है, तो बहुमत भाई दो तिहाई बहुमत जरूरी है। काम पूछ ले तो भाई आईसी के न्यायाधीशों के पूछ लेता है, सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भाई महासभा के द्वारा की जाती है। अगला देखो, अगला है सचिवालय, अगला क्या है सचिवालय, सचिवालय क्या होता है भाई देखो, इस सचिवालय में याद रखना दोस्तों एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है सचिवालय का, एक अध्यक्ष होता है जिसको सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है यूएनओ का अध्यक्ष कौन है, तो यूएनओ का अध्यक्ष जो सचिवालय का अध्यक्ष होता है वही होता है। यूएनओ का अध्यक्ष एक अध्यक्ष चुना जाता है जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो भाई जिसके कार्यकाल होता है भाई 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है भाई, एक अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। उसके बाद ध्यान रखना कि इसमें कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है भाई सचिवालय का पहला अध्यक्ष, सचिवालय का पहला अध्यक्ष, तो देखो सॉरी दोस्तों सचिवालय का पहला अध्यक्ष पूछ लेता है, तो सचिवालय का पहला अध्यक्ष था त्रिगवेली, त्रिवेली है सचिवालय का पहला अध्यक्ष, किस देश का था, नॉर्वे देश का, नॉर्वे देश का अध्यक्ष था भाई, पहला देश था त्रिगवेली, ठीक। उसके बाद पूछ ले पहला एशियाई अध्यक्ष, पहला एशियाई अध्यक्ष, देखो पहला एशियाई अध्यक्ष की बात कर ले तो पहला एशिया का पहला अध्यक्ष पूछ ले तो यूएनओ सचिवालय का अध्यक्ष बना तो वो था भाई यू थॉट किस देश का था, तो ये म्यांमार देश का, म्यांमार देश का था भाई यू थॉट अध्यक्ष, ये पहला एशियाई अध्यक्ष था। उसके बाद बात कर ले कि भाई वर्तमान में कौन है, वर्तमान में नंबर में हिसाब से पूछ ले भाई, वर्तमान में ना देखकर वो पूछ ले कि भाई यूएनओ का 9वें नंबर का अध्यक्ष कौन है, तो भाई वर्तमान में या 9वें नंबर का जो अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस है भाई, एंटोनियो गुटेरेस है जो वर्तमान में या 9वें नंबर का अध्यक्ष है। याद रखना भाई एंटोनियो गुटेरेस है, ये किस देश का है, तो भाई पुर्तगाल का है। ये ध्यान रखना भाई। एक और इम्पोर्टेंट है डैग हैमरशोल्ड, हैमरशोल्ड इस अध्यक्ष के बारे में दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो क्या बनता है कि भाई ये इनकी जो मृत्यु हुई थी वो विमान दुर्घटना के कारण हुई थी भाई, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, विमान दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी भाई, विमान दुर्घटना के कारण की मृत्यु हुई थी। दूसरा भाई मरणोपरांत इनको नोबेल पुरस्कार मिला था भाई, मरणोपरांत इनको क्या मिला था भाई, नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या रखना, मरणोपरांत इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, उसके बाद विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। तो सचिवालय के बारे में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, इनके बारे में पूछ लेता है तो बता देना भाई सचिवालय के बारे में। ये क्वेश्चन बनते हैं, पहला अध्यक्ष त्रिवेली नॉर्वे देश का, पहला एशियाई अध्यक्ष पूछ ले तो यू थॉट कहाँ का, म्यांमार देश का, वर्तमान में 9वें नंबर का पूछ लेता है तो एंटोनियो गुटेरेस है, और एक ये डैग हैमरशोल्ड है जो स्वीडन देश के थे, ध्यान रखना स्वीडन देश के थे, और इनकी मृत्यु भाई विमान दुर्घटना में हुई थी, और मरणोपरांत इनको क्या मिला फिर नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नहीं मिलता भाई, देखो दोस्तों 1974 ईस्वी में मरणोपरांत नोबेल बंद कर दिए भाई, किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे, ध्यान रखना इनके बारे में। अगला देखो,
अगला देखो ये यहाँ पर आ जाता है, एक छोटा सा है परन्यास परिषद, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बनता, इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, एक बार देख लेते हैं क्या है परन्यास परिषद। परन्यास परिषद क्या है परन्यास परिषद, देखो 1945 में जब यूएनओ का गठन हुआ था तो उस टाइम कुछ देश तो थे वो बिल्कुल विकसित कर हो गए थे, यानी बहुत ज्यादा उन्होंने प्रोग्रेस कर ली थी, कुछ देश थे वो गरीब देश थे यानी वो अपना विकास नहीं कर सकते थे। तो यूएनओ की जो परन्यास परिषद थी इस समिति ने एक काम किया कि जो विकसित देश थे ना जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ब्रिटेन अमेरिका ऐसे जो शक्तिशाली विकसित देश थे ना उनको एक काम दिया कि जो गरीब देश है ना इनका आप विकास करोगे, इनका आप विकास करोगे। तो इन्होंने क्या किया भाई, इनका विकास करने की बजाय इनका शोषण करने लगे, इन पर कब्जा करने लगे। तो फिर उन्होंने क्या किया भाई, इस परन्यास परिषद को ही समाप्त कर दिया और इनका जो अधिकार था वो समाप्त हो गया। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं आता, इतना पता होना चाहिए परन्यास परिषद का काम क्या था। इन्होंने सोचा तो बढ़िया था भाई, जो गरीब देश है उनका भी ज्यादा से ज्यादा विकास हो जाए, लेकिन क्या हुआ कि ये इनका गलत फायदा उठाने लगे, इनका शोषण करने लगे, इन पर कब्जा करने लगे। ये ध्यान रखना कि जो इनके काम समाना था जिन देशों ने परन्यास परिषद के देश दो शामिल थे, इसमें रूस व चीन नहीं थे, रूस व चीन नहीं शामिल हुए। तो ध्यान रखना पूछ लेता है, तो देखो वो मैंने बताया था विक्टो पावर ए बी सी एफ आर, तो इसमें आर रूस और चाइना ये तीनों देश इसमें शामिल हैं और रूस और चाइना इसमें शामिल नहीं थे परन्यास परिषद में। ये देश भी शामिल थे लेकिन जो रूस और चाइना जो मेन थे शक्तिशाली देश थे विकसित देश थे वो इसमें शामिल नहीं थे। इसके बारे में क्वेश्चन कम आता है तो इसके बारे में इतनी कोई जरूरी नहीं है। अगला आता है भाई आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है पूछा जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यानी नाम से पता चल रहा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसके बारे में देखो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में क्या है कि जो देश है ना उनका आर्थिक और सामाजिक उनका विकास करना, इसका मेन काम आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना। सबसे पहले देखो इनमें सदस्य, इनमें सदस्य कितने हैं 54, वर्तमान में सदस्य कितने हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 सदस्य, लेकिन प्रारंभ में कितने थे, तो प्रारंभ में थे भाई सिर्फ 18 सदस्य थे। संविधान संशोधन की टैलिंग को बढ़ाते गए अब कितने हैं 54 सदस्य। उसके बाद क्वेश्चन आता है भाई इसमें 54 सदस्य इनका कार्यकाल पूछ लेता है, कार्यकाल कितना है, तो भाई जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है वो 3 वर्ष का है, कितना है 3 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन ये भी एक स्थायी है भाई, स्थायी वो परिषद मान लो स्थायी परिषद है। क्यों है, क्योंकि प्रति वर्ष एक तिहाई सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, प्रति वर्ष एक तिहाई सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान रखना कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, स्थायी परिषद है, क्यों स्थायी परिषद है, क्योंकि प्रति वर्ष एक तिहाई सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि इसकी 1 वर्ष में 2 बैठक होती है, एक तो होती है अप्रैल में और एक होती है भाई जुलाई में, एक तो अप्रैल में बैठक होती है, दूसरी कौन सी होती है भाई कहां पर होती है, तो जुलाई में होती है, अप्रैल में होती है भाई न्यूयॉर्क में, अप्रैल में न्यूयॉर्क में, और जुलाई में होती है जिनेवा में, जुलाई में कहां पर होती है जिनेवा में बैठक होती है। अब देखो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य है कि भाई देश विश्व के देशों में आर्थिक एवं सामाजिक सहायता करना। एक होता है यूनिसेफ, मैंने बताया था यूनिसेफ, और यूनिसेफ आपका ये क्वेश्चन है आज, ये क्वेश्चन बताना बिना किसी की सहायता के कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, मैंने जब दिवस करवाया था उसमें बताया था, तो बताना यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। तो जो यूनिसेफ है ना वो किसके अंडर में आता है, तो वो आता है भाई
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अंडर में। क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में इसका आंसर बताना। एक लास्ट रह जाता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट में, वो भी मेन है भाई, इसका एक प्रमुख अंग है, भाग है, मेन है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट। सबसे पहले एक बात मैंने कल भी बताई थी, यूएनओ के कितने अंग है भाई, 6 अंग, कितने अंग है 6, जिनमें 5 अंग है उनका तो जो वो कोर्ट हेडक्वार्टर है वो कहां पर बताया था, न्यूयॉर्क में बताया था जहां पर यूएनओ का है, लेकिन एक बताया था इंटरनेशनल कोर्ट, उसका जो हेडक्वार्टर है वो अलग है, कहां पर बताया था तो लिखो इसका हेडक्वार्टर पीस पैलेस, पीस ए पैलेस यानी शांति महल, कहां पर है तो ये है द हेग, कहां पर है ये है नीदरलैंड में। क्वेश्चन पूछ भी सकता है भाई पीस पैलेस कहां पर है, तो नीदरलैंड में, किसका हेडक्वार्टर है वहां पर है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का, पीस पैलेस का संबंध किससे है तो इंटरनेशनल कोर्ट से है, ये ध्यान रखना इसके बारे में। अब क्वेश्चन आता है स्थापना, उन सभी की स्थापना 1945 में हो गई थी, लेकिन इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 में हुई थी भाई, 3 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं सदस्य, सदस्य भाई इतने इसमें सदस्य कितने हैं, तो इसमें भाई सदस्य होते हैं 15 सदस्य, इनका कार्यकाल कितना होता है तो ये ध्यान रखना, ये भी स्थायी भाग है भाई, कार्यकाल तो 9 वर्ष का, कार्यकाल कितना होता है 9 वर्ष का, ठीक, ये स्थायी है, तो इसमें क्या होगा कि प्रत्येक 3 वर्ष में 5 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, ठीक भाई, ये मेन है भाई, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ जाता है भाई कैसे क्या सिस्टम है, तो प्रत्येक 3 वर्ष में 5 सदस्य वो अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और उनकी जगह कोई और बन जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अब आगे सुनाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कि इसकी भाई भाषा, लैंग्वेज यानी भाषा, तो भाषा की बात कर ले, तो मेन है भाई अंग्रेजी और दूसरी है भाई फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच दो भाषा है इसकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो प्रमुख भाषा है वो दो है भाई, एक तो अंग्रेजी और एक फ्रेंच, मैंने कल बताई थी यूएनओ की 6 भाषाएं हैं, उनमें जो 2 मेन है वो ये 2 मेन है भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भी ये मेन है, जो भी कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का किन 2 भाषाओं में होता है, अंग्रेजी और एक फ्रेंच भाषा में होता है। अब देखो आगे बात कर लेते हैं कि इनमें कोरम होता है, यानी कोई भी बैठक हो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तो उसमें कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं उस बैठक में, तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तो 9 सदस्य होने चाहिए, ध्यान रखना भाई कम से कम 9 सदस्य होने चाहिए। कोरम क्या होता है, गणपूर्ति बोलते हैं इसको हिंदी में, गणपूर्ति बोलते, कोई बैठक होती है विधानसभा देख लेना, लोकसभा बैठक देख लेना, उनमें एक गणपूर्ति करते हुए कम से कम कोई बैठक होगी उसमें इतने सदस्य तो कंपल्सरी है, इतने सदस्य नहीं पहुंचे तो वो बैठक पूर्ण नहीं मानी जाएगी, तो इसमें कितने सदस्य होते, तो 9 सदस्य होते हैं। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं भाई अपने जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसमें भारत में से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला पहला भारतीय भाई, तो देखो न्यायाधीश बनने वाला पहला भारतीय है तो वो था भाई बेनेगल रामाराव, ध्यान रखना 15 सदस्य होते हैं, 15 इसमें न्यायाधीश होते हैं, इनमें एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है भाई, तो जो ये न्यायाधीश था नए अध्यक्ष था नए उपाध्यक्ष थे, ध्यान रखना 1952-53 में बना था, नए अध्यक्ष था नए उपाध्यक्ष था, लेकिन पूछ ले पहला उपाध्यक्ष या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी बना था वो व्यक्ति और वो क्या कहते हैं अध्यक्ष भी बना था, तो वो था भाई नागेंद्र सिंह अध्यक्ष भी बना था और उपाध्यक्ष भी बना था, तो पूछ लेता है इसके बारे में। उसके बाद आगे देखो
कि भाई वर्तमान में कौन है। याद रखना भारत का एक न्यायाधीश वर्तमान में भी है जो 2017 में दोबारा चुना गया है, तो उसका नाम है भाई दलबीर सिंह भंडारी। दलबीर सिंह भंडारी, दलबीर सिंह भंडारी है जो इसका वर्तमान में न्यायाधीश है भारत की तरफ से, भी भारत की तरफ से है। अब देखो वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, भारत का नहीं है, पर वो वर्तमान में इसका अध्यक्ष, मैंने बताया था कि एक तो अध्यक्ष को चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं, तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो भाई वो है अब्दुल कवी यूसुफ। अब्दुल कवी यूसुफ भाई, अब्दुल कवी यूसुफ है वर्तमान में इसका अध्यक्ष। तो ये था एक छोटा सा पार्ट भाई, यू एन नो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने जिस दिन शुरू किया था उस दिन बताया था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जितने भी संगठन है ना उन सबसे मेन इम्पोर्टेंट एक संगठन है वो यूएनओ है। इसके बारे में एग्जामिनर बहुत अधिक बार क्वेश्चन देता है, दो पार्ट में बना, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक था, छोटे छोटे इसके दो पार्ट हो गए, आपको दोनों पार्ट पूरे पढ़ने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं। और देखो दोस्तों अगर आपको अपना ये चैनल बढ़िया लगा, रेगुलर रूटीन से लगभग 15 दिन से रनिंग में अपना जो चैनल है, इस पर रेगुलर एक क्लास तो बनती है, वैसे तो दो क्लास बन रही है, तो कम से कम एक क्लास तो आपके पास से प्रोवाइड होगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना, थैंक यू दोस्तों।